मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दौरान नर्मदा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं वर्ष 2019 के अंतिम दिनों में सूर्य ग्रहण का आना साल का अंतिम ग्रहण माना गया है, जिसके कारण बड़वा सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों में हजारों की तादाद में श्रद्धालु सुबह 11 बजे नर्मदा स्नान करने नवाघाट खेड़ी स्थित नर्मदा घाट पहुंचे, जहाँ श्रद्धालुओं ने गरीब एवं असहाय लोगों को दान कर पुण्य लाभ लिया। खरगोन जिले के बड़वा स्थित नर्मदा घाट के उत्तरी तट पर गुरुवार सुबह से अमावस्या पर्व के चलते स्नान ध्यान किया गया, जबकि इस वर्ष के अंतिम दिनों में गुरुवार को सूर्य ग्रहण होने से नर्मदा के समस्त घाटों पर स्नान पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की तादाद सुबह 11 बजे तक अधिक नजर आई। सनावत से प्रभु दोगिया की रिपोर्ट। जी, आज ग्रहण भी है और अमावस्या भी है, इस दिन का क्या विशेष महत्व है और क्या होता है? आज सबसे पहला तो अमावस्या, ये पौष महीने की अमावस्या धनुर्मास कहलाता है। इस महीने में मतलब कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं हो पाते, ब्याह शादी इत्यादि, मकान का नागल वगैरह ये हो, क्योंकि धन राशि में मतलब जो है सो सूर्य का प्रवेश होता है। इसके बाद में मतलब जो है सो मकर राशि में जब आएगा सूर्य तो फिर ये सब धार्मिक आयोजन चालू होते हैं। इस अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि इसको पौष मास की अमावस्या माना जाता है। इसमें नाना प्रकार के जो है सो व्याधियों का जो है सो निवारण होता है और भगवान सूर्य नारायण धन राशि में प्रवेश होकर मकर राशि में प्रवेश होते हैं, इसलिए इसका बड़ा महत्व बताया इस अमावस्या को। उस अमावस्या के योग में आज भगवान सूर्य ग्रहण भी आया है। बड़े अहो भाग्य से जो है तो हमको पुण्य कर्म करने के लिए ये सूर्य ग्रहण का जो आज विलय हुआ, सुबह 8:00 से सूर्य ग्रहण प्रवेश हुआ था और 11 बजे मोक्ष हुआ उसका। उसके बाद में सारे आयोजन चालू होते हैं, स्नान ध्यान धान पून हवन इत्यादि सब कर्म होते हैं, और इसके करने से भगवान सूर्य नारायण के ऊपर जो आपदाएं आती देवताओं के ऊपर, उन आपदाओं को ही ग्रहण कहा गया है। उस ग्रहण काल में मतलब हम लोग जाप इत्यादि पूजन करके और भगवान के ऊपर आई हुई विपदाओं का निवारण करने के लिए हम लोग मनुष्य लोग जो है सो इसका ऋषि लोग इसका तप इत्यादि ध्यान करते हैं, और उससे दान करने से आज उनको जो है सो तुरंत शांति प्राप्त होती है। ये इस ग्रहण काल का प्रयोग बताया गया। ये काफ़ी समय में मतलब जो है सो उस नक्षत्र में और सूर्य ग्रहण आया, सदी का आखिरी ग्रहण है ये, इस वर्ष का आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण से समापन हो रहा है इस वर्ष का, अब नया वर्ष चालू होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।